वॉइस रिकॉर्डिंग पर मेरा पिछला वीडियो सिर्फ एक ऐप के ऊपर रिव्यू करना था, बट आज के वीडियो में मैं आपको फुल ट्यूटोरियल दूंगा एक वॉइस रिकॉर्डिंग के ऊपर। हम जो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं उसका नाम है वेव पैड, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इस वाली एप्लीकेशन को यूज करने का मकसद ये है कि ये सारे फीचर्स प्रोवाइड कराती है जो एक प्रोफेशनल ऑडियो एडिटर में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऑडासिटी, जो फीचर्स आपको ऑडासिटी के अंदर देखने को मिलते हैं सेम वही फीचर्स आपको इस वाली एप्लीकेशन के अंदर भी देखने को मिलते हैं। बट ऑडासिटी एक सॉफ्टवेयर है जो पीसी के अंदर यूज होता है और हम अपनी ऑडियोज को एडिट कर रहे हैं स्मार्टफोन के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस वाली एप्लीकेशन का सिंपल सा इंटरफेस है जैसे कि आप देख भी सकते हो, और कुछ ऑप्शन अभी इनेबल नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई भी ऑडियो फाइल नहीं है। या तो आप इंपोर्ट कर सकते हो या तो रिकॉर्ड कर सकते हो। रिकॉर्ड करने के लिए रेड बटन पर टैप करना है और सिंपली आपका माइक ऑन हो जाएगा और आप जो भी बोलोगे रिकॉर्ड होने स्टार्ट हो जाएगा। तो क्यों ना एक छोटा सा क्लिप हम रिकॉर्ड कर लें। अब इसका प्रीव्यू लेके देखते हैं कैसी रिकॉर्ड हुई है। हे गाइस, वेलकम टू हाईटेक हैकर। तो आपने देखा कि ऑडियो ऐसी रिकॉर्ड हुई है। ऊपर से एडिट वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे और क्लीन अप ऑडियो वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे और सबसे पहले नॉइज़ रिमूव करेंगे। तो नॉइज़ रिडक्शन में आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी अलग अलग तरह की नॉइज़ आप रिमूव कर सकते हो। तो सिंपली पहले वाले प्रीव्यू लेके देखते हैं। हे गाइस, वेलकम टू हाईटेक हैकर। ठीक तो था बट कुछ मज़ा नहीं आया। इसको लगाने से आपकी की आवाज़ें भी रिमूव हो जाएंगी जो कानों में बहुत ज़्यादा चुभती हैं। ये एक आइडियल सेटिंग भी है। गाइस, वेलकम टू हाईटेक हैकर। नॉइज रिडक्शन से नॉइज़ तो हटा दी, बट अभी क्या है कि जहाँ जहाँ मैंने नहीं बोला है वहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ी बहुत आ रही है। उसके लिए आप इस वाले ऑप्शन पे जाके आप सिंपली बैकग्राउंड नॉइज़ को रिमूव कर सकते हो। हे गाइस, वेलकम टू हाईटेक हैकर। बेसिकली वर्क ऐसे करता है जहाँ जहाँ बोलते हो सिर्फ वहाँ वहाँ फ्रिक्वेंसीज होती हैं, जहाँ पे आप साइलेंट हो उसको एकदम अल्ट्रा साइलेंट कर देता है, यानी वहाँ पे एकदम वॉल्यूम कम ही कर देता है, बिल्कुल आवाज़ नहीं आती है। अब अपनी आवाज़ को नॉर्मलाइज़ करेंगे। यहाँ दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ऑटो नॉर्मलाइज़ और एक सिंपल मैनुअली नॉर्मलाइज़ करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर नॉर्मल वाला पे देखा जाए जो सिंपल जो मैनुअली करने के लिए है, वहाँ पे आप इन बार्स वगैरह को खींच के अपने टेस्ट के हिसाब से अप्लाई कर सकते हो, वरना ऑटोमेटिकली अगर आपको नॉर्मलाइज़ करना है तो ऑटो नॉर्मलाइज़ पे टैप करेंगे और हमारे जो भी आवाज़ है नॉर्मलाइज़ हो जाएगी। अब अप्लाई करते हैं कंप्रेसर। कंप्रेसर का वर्क बेसिकली ये होता है कि जहाँ आप तेज़ बोलते हो धीरे बोलते हो वहाँ पे आवाज़ को बैलेंस करना। अब ग्राफिक के साथ नहीं खेलना आता तो आप यहाँ पे सिंपल वाले पे टैप कर सकते हो और यहाँ पे बार्स के हेल्प से आप अपने आवाज़ पे कंप्रेसर को अप्लाई कर सकते हो। और हाँ, हमेशा टेस्ट करके ज़रूर अप्लाई करें, कभी बिना टेस्ट की मेरी सेटिंग्स को कॉपी मत करें क्योंकि सबकी आवाज़ अलग होती है, सबके वोकल्स अलग होते हैं। अब काफ़ी लोग इसमें वॉइस चेंजर का भी यूज़ करते हैं, तो इफेक्ट में जाके वॉइस में जाना और हल्का सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको वॉइस चेंजर का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आप टैप करोगे तो आप अपनी वॉइस को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, पतली मोटी पिच को चेंज करके अपनी वॉइस को भी चेंज कर सकते हो। सो अब प्रीव्यू लेते हैं जो भी हमारी ऑडियो एडिटर। हे गाइस, वेलकम टू हाईटेक हैकर। जिस भी सेटिंग के बारे में मैंने तुम्हें बताया उसे तुम अपनी ऑडियो को क्लियर कर सकते हो। अभी जैसे कि तुम नोटिस करो कि मेरे बैकग्राउंड से नॉइस आ रहा है क्योंकि जिससे पहले का वॉइस ओवर था उसी एप्लीकेशन से एडिटेड था, तो तुम लोग दोनों के बीच में फ़र्क देख सकते हो।